जम्मू में अब ठंड आ चुकी है और पिछले दो दिन से पहाड़ी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है और जम्मू में जो है वो अब धुंध भी देखने को मिल रही है। अगर सुबह सुबह जब आपने अगर अपनी बालकनी से बाहर झांका होगा तो आपको बाहर धुंध दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि रोड के बिल्कुल साथ में कुछ लोग आग जलाकर यहाँ पे खुद को गर्म कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन, पवन कुमार। पवन जी, कब आए यहाँ पर और ठंड कितनी हुई है? ठंड तो आज बहुत ज़्यादा थी। मैं आता नरवाल से। अच्छा। तो फिर गाड़ी पे आना पड़ता ना, फिर बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध भी इतनी पड़ी हुई थी। तो फिर आते ही चलो मैं तो थोड़ा लेट हो गया था आज, तो फिर जो लड़के इधर है ना उन्होंने आग जला दी थी इधर। देख लो वहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा मोटर था, सारा जल गया, सारा जल गया। तो सभी लोग जहाँ से कोई रास्ते में जाता है ना सारा आग का नजारा लेके जाता सारे। सब सिखण को हुक्म है, गुरु माने वो ग्रंथ। ये सर्दी का मौसम है भैया, आग तो जलानी पड़ेगी। आते जाते सारे आगे आग सेकते हैं, नजारा लेते हैं। ठंड बहुत हो गई है भैया, क्या करें, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बस यहाँ पर मतलब आप तो खैर अभी आए लेकिन आगे पीछे भी आते होंगे, कितने एक लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं? सर हम जैसे सियाल आता है ना तो फिर हम सारा कुछ इधर रखते हैं आग जलाने के लिए, के लोग आए आग अपने सेक के फिर जाएं। अच्छा। अभी भी देख लो उधर लकड़ पड़ी हुई है। अच्छा। वो आएंगे वो शीशे दे के जाते हैं। आज कोई 100-150 आदमी यहाँ से गुजर के गया है, सारे हाथ गर्म करके गए हैं। सारे हाथ गर्म करके गए। हाँ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से देखा हमने कि सर्दी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि बारिश, खैर बारिश तो हुई नहीं लेकिन सुबह सुबह धुंध देखने को मिली। हाँ, आज सुबह धुंध मिले। जी सर बोलिए। मतलब इतनी ठंड है, आग सामने है, मन में क्या चल रहा है? मन में यही है कि आग सेकेंगे तो शरीर गर्म हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। काम शाम तो भैया है नहीं है, सुबह से हमारी गाड़ी खड़ी है, खड़ी है, काम नहीं है। काम नहीं है, काम बहुत मंदा है। हम सोचते हैं चलो आग जलाएं, आते जाते लोग भी सेकेंगे, ये भी पुण्य का काम ही है, तो इसलिए हमने सुबह से जलाई है। हमें सब लोगों से यही कहते हैं कि जब कोई भी आदमी सेक सकता है तो हमने लगाई है, फ्री कार सेवा लगाई है हमने। मूंगफलियाँ नहीं देखी? मूंगफलियाँ अगर होती तो और मजा। वो लोहड़ी, लोहड़ी होती तो मूंगफलियाँ जला लेते। सुबह से हम इधर ही हैं भैया, लोहड़ी के भी तो खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। अच्छा, अभी लोग जो है रजाइयाँ कंबल लेकर अपने अपने घरों में बैठे होंगे। हाँ, तो इस प्रकार की जब आग जलती है तो रजाई कंबल की याद आती है क्या? रजाई कंबल से जरूरत ही नहीं है, इतनी आग है इधर तो। घर में हम बैठते नहीं हैं भैया, सारा दिन इधर ही होते हैं हम घर में, हम अच्छा नहीं समझते। अच्छा। हम दिन भर बाहर ही रहते हैं, काम हो या ना हो अपनी ड्यूटी देनी है, शाम को भैया घर चले। ये भी अपनी, ये भी एक अलग लुत्फ है, ये भी अपना एक अलग मजा है। यहाँ पर आग जली हुई है और साथ में बैठकर यार दोस्त जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और मूंगफली को मिस कर रहे हैं। मूंगफली को मिस कर रहे हैं और इनसे बातचीत की और इन्होंने कहा कि घर में रहना इनको अच्छा नहीं लगता। खैर वो तो इन यही जाने क्यों नहीं अच्छा लगता, लेकिन आग के पास रहना बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी ठंड जो है वो मजेदार गुजरे। आप लोग देखते रहे अली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर जब ये हमारा